जब तक शिव की कृपा ना हो, शंकर की करुणा ना हो, दया ना हो, तब तक जीवन का कोई सुख मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। यदि शिव कृपा करते हैं तो इस मानव देह को पाने का कोई फल है। महाराज, घर, पत्नी और बच्चे और भोजन, संपदा, सुख, ये सब तो आप कोई सी भी योनि धारण कर आओगे, कोई सा भी जन्म लेकर आओगे, आपको मिल जाएगा। प्रत्येक जन्म में बच्चे भी मिलना है, पत्नी भी मिलना है, परिवार भी मिलना है और घर भी मिलना है। चाहे आप चिड़िया बन जाओ, तोता बन जाओ, चाहे तुम जो बनकर जन्मोगे, हर जन्म में पत्नी, बच्चे, परिवार सब मिलेगा। पर हर जन्म में खाने के लिए अन्न भी मिलेगा, पेट भरने की व्यवस्था भी भगवान करेगा। प्रत्येक जन्म में आपके भोजन की व्यवस्था भी होगी, रुकने की व्यवस्था भी होगी, परिवार भी मिलेगा, पत्नी भी मिलेगी, बच्चे भी मिलेंगे, पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। हर जन्म में शंकर की कथा नहीं मिल सकती। प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। प्रत्येक जन्म में पत्नी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, भोजन मिल जाएगा, रहने के लिए घर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पर भगवान शंकर का भजन नहीं मिलेगा, शिव स्मरण नहीं मिलने वाला। शंकर की कथा, शंकर का भक्ति, शिव की उपासना, शंकर का स्मरण, ये प्राप्त नहीं होगा। शिव दयालु है, शिव कृपालु है, शिव करुणा की सागर है। शंकर देना जानता है, लेना कुछ नहीं जानता। मेरा देवाधिदेव महादेव आपको केवल देना जानता है, मेरा देवाधिदेव महादेव आपसे लेना नहीं जानता। उसने केवल देना जाना है कि लंकाधिपति रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कंकण दे दिया, ये बंद पड़े हैं, बंद हैं। भस्मासुर को कंकण दे दिया, लंकाधिपति रावण को सोने की लंका प्रदान कर दी, उसने केवल देना जाना है, वो लेना नहीं जानता। कभी आपको, कभी हमने इस व्यासपीठ से ये कहा कि शंकर जी को इतना सारा धन दे देना, या इतना सारा वैभव दे देना, या इतनी सारी सत्ता दे देना, या इतनी सारी दौलत दे देना, या सामान दे देना, शिव को अगर कुछ देना है, शंकर को यदि कुछ प्रदान करना है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को मात्र एक लोटा जल यदि आपने समर्पित कर दिया तो शंकर ने आपके लिए कुबेर का खजाना खोल दिया। ऐसा सरल देव कहीं नहीं मिलने वाला। इतना सरल देव कहीं मिलने वाला है क्या? अन्य देवताओं के पूजन के लिए तो आपको सामान जुटाना पड़ता है कि ये लाओ, कि वो लाओ, कि ये पूजन करना है तो इसके लिए ये इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, यज्ञ करना है तो इसके लिए इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, सामान लाना है तो उसके लिए इतना इकट्ठा करना पड़ेगा, सामान एकत्रित करना पड़ेगा, ये सामान लाना पड़ेगा, वो सामान लाना पड़ेगा। पर शिव की पूजन के लिए आप कुछ एकाग्रित करो मत करो। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बस यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप शिव के मंदिर तक चले जाओ। आप शंकर जी की चौखट तक चले जाओ, शिव के दरवाजे तक चले जाओ,
शिव के मंदिर तक चले गए, शंकर के द्वार तक चले गए, शंकर की चौखट तक चले गए, शंकर के दरवाजे तक भी पहुंच गए, उसके मंदिर तक भी पहुंच गए, तो ये पक्का है कि शिव आप पर कृपा की दृष्टि कर ही देगा। ये बिल्कुल निश्चित है। कल अपन सभी ने शिव महापुराण की कथा में श्रवण किया था, कल भगवान शंकर की कथा में अपन ने सुना था कि दुर्गा भवानी माता से कहा गया कि जाओ और जाकर मंडल में असुरों ने जल को रोक रखा है, मृत्यु लोक से जल भूमि के नीचे से प्रकट नहीं हो रहा है, नदियां तालाब बावड़ी कुंड सब खाली पड़े हुए हैं, आप जल की व्यवस्था करो। तभी माता पार्वती जी का जो स्वरूप था, दुर्गा भवानी का जो स्वरूप था, उससे माता पार्वती जी ने, माता दुर्गा ने शकंभरी रूप धारण कर लिया था। शकंभरी रूप धारण कर लिया। हजारों नेत्र माता ने अपने शरीर पर बना लिए थे और हजारों नेत्र बनाकर माता ने उन नेत्रों से रोना चालू कर दिया था। क्या हुआ उससे? जब रोना चालू करा माता ने, चलती चलती जाए मेरी शकंभरी माता और नेत्रों से जल बहाती जाए, जो बंजर भूमि थी वो सब हरी भरी हो गई वापिस और अकाल समाप्त हो गया। जब संसार के ऊपर काल मंडराने लगता है, चारों तरफ जब सूखा पड़ने लगता है, कहीं विपदा आन खड़ी होती है, तब शिव पंचायत में से मां दुर्गा को बाहर निकालकर खड़ा कर दिया जाता है कि अब तुमको संभालना है, अब तुमको देखना है, अब तुम जाओ। तेरे भक्तजनों पर माता बीड़ पड़ी है, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट हो जाओ वाली दुखियों के दुखड़े सवारी, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा शकंभरी बनकर प्रकट हो गई, और जब माँ शकंभरी बनकर प्रकटी, हजारों नेत्र करकर माता ने जब रोना चालू करा, पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर दिया, संपूर्ण पृथ्वी। कलकत्ता में एक बात कही थी, आप लोगों ने उसको अपने जीवन में उतारा कि नहीं उतारा पता नहीं, पर एक बार अच्छे से फिर से सुन लो। परिवार वालों के सामने रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है, कुटुंब के आगे जाकर रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है, समाज वालों के आगे जाकर रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है, गैर समाज वालों के पास जाकर रोगे उसका कोई मोल तत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जीवन में दुख आए तो रोना, तो मेरे विश्वनाथ के चरणों में जाकर रोना, जिससे वो आंसू पोंछ दे। दुनिया के लोग तो रुलाना जानते हैं महाराज,
माता के गर्भ से जब बच्चे का जन्म होता है तब माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तब डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के रुलाते हैं, चिमटी खोड़ के रुलाते हैं कि रो, आज से तू रोएगा तो मरेगा, तब तक तुझे रोना पड़ेगा। बोलो माताएं सही है कि गलत है? डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के रुलाते हैं कि आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक तुझे रोना पड़ेगा। रोना सिखाया नहीं जाता, रोना तो व्यक्ति को आ ही जाता है, सिखाना तो केवल मुस्कुराना पड़ता है। और जब आप किसी अच्छी संगत में पहुंच जाओगे, अच्छी जगह पहुंच जाओगे, तो वहां पर तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, वहां केवल आप मुस्कुराना सीख जाओगे, फिर कोई रुलाने वाला नहीं मिलने वाला आपको। अच्छी संगत में गए तो, अच्छी जगह पहुंच गए तो, अच्छी जगह पर लग गए तो आपको फिर कोई रुलाने वाला नहीं मिलेगा, आपको मुस्कुराना अपने आप आ जाएगा। सुनार के दुकान के कचरे की कीमत बादाम से भी ज्यादा महंगी होती है, काहे की? अरे बोलो तो जम के। स्वर्णकार सुनार के दुकान के, सुनार के घर के कचरे की कीमत बादाम से ज्यादा महंगी होती है, कचरे की कीमत। एक मक्खी सब्जी के ऊपर जाकर बैठ जाएगी, उस मक्खी की कोई कीमत होगी क्या? अरे बोलो तो तोलते समय वो पलड़े में बैठ गई, सब्जी पर बैठ गई, पत्ता गोभी पे बैठ गई, बैंगन पे बैठ गई, आलू पर बैठ गई, हरा धना पे बैठ गई, वो उसकी कोई कीमत हुई क्या? नहीं। और वही मक्खी जब सोना तुल रहा हो और सोने के पलड़े पर जाकर बैठ जाए तो कीमत होगी कि नहीं होगी? अपने आप उस मक्खी की कीमत बढ़ जाएगी। उसी तरह आप और हम हैं, हम अगर गलत जगह पर जाकर बैठ रहे हैं तो हमारी कोई कीमत नहीं है, और अगर हम शिव पुराण में जाकर बैठ रहे हैं तो हमारी कीमत बढ़ती चली जाएगी। हम यदि भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान के स्मरण में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान के कीर्तन में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान के चरणारविंद में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति में जाकर बैठ रहे हैं, तो हमारी कीमत बढ़ी हुई है। अगर कीमत घटी कहां पर है तो कहां? संसार के व्यर्थ के काम में हम जब तक लगे रहे तो हमारी कोई कीमत नहीं। उसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गाड़ी। क्यों करता है? तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है बच। सुनार की दुकान के कचरे की कीमत, सुनार के घर के कचरे की कीमत बादाम के कीमत से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी जगह का होता है। उसी तरह आप अच्छी जगह बैठोगे, अच्छी जगह रहोगे, भगवान की भक्ति में लगे रहोगे, कीर्तन में लगे रहोगे, स्मरण में लगे रहोगे, तो कीमत तुमको नहीं बनाना है, कीमती तो मेरा भोलेनाथ खुद बना देगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का।
जो शिव का उपासक होता है, शंकर का जो भगत होता है, शिव की आराधना करने वाला जो होता है, शिव स्मरण करने वाला जो होता है, मृत्यु दरवाजे तक अगर आ भी जाए और आप शंकर की आराधना में लगे हो तो यह पक्का है कि काल भी टल जाता है उस महाकाल की। आवाज काई की आ रही, उसको तो सही करवाऊ ना उसको। भगवान शिव की आराधना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी नेदर भगवान शिव से प्रार्थना करो, शंकर की आराधना करिए, शिव का स्मरण करिए, शिव भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। एक बात कहना चाहेंगे, आप स्वीकार करें तो अच्छा है। दूसरे धर्म के लोग आपको भले भटका दें, आपका मार्ग बदल दें, आपको भले दूसरे मार्ग की ओर लेकर चले जाएं, पर सत्यता तो यही है कि हमारा जो सनातनी धर्म है ना, ये एक ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंतर्गत हम केवल भगवान का नाम लेकर ही दुनिया के सारे कार्य कर सकते हैं। केवल नाम लेकर। केवल एक नाम स्मरण से ही हमारा सब काम हो सकता है। आप भगवान का नाम लेकर आगे तो बढ़ो, स्मरण तो करो। शंभु शरणे घड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन। भगवान शिव भक्ति में लगना, शंकर का स्मरण करना, जो चल नहीं पाते थे। एक बात और कहूंगा, भले रुद्राक्षोत्सव में आप लोग नहीं आ पाए, क्योंकि उस समय पर भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि व्यवस्थाएं कुछ हो सकता है कि भगवान शंकर को जो मंजूर हो, शिव को जो अच्छा लगता हो, शिव की जो करुणा हो, पर सारे तीर्थ बार बार कुबेर भंडारी एक बार जरूर जाए। एक बार अगर मौका मिले भगवान से प्रार्थना करना, अगर कोई दिक्कत जीवन में आए तो शिव की आराधना करना। और कभी भगवान ऐसी कृपा कर दे तो इस शरीर को लेकर एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जरूर होकर आना, ये निवेदन। वहां का कंकर शंकर केवल उस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कहीं पर भी बैठ कर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र जाप कर लेता है व्यक्ति, और दिल की बात बाबा से कह देता है तो बाबा उसकी मुराद 3 महीने में पूर्ण कर देते हैं। कि क्षेत्र में कहीं पर भी शिव महापुराण की कथा हो रही हो, 2 क्षण के लिए, 1 दिन के लिए, 15 मिनट के लिए जाओ, पर उस भूमि पर अपनी हाजिरी लगाकर जरूर जाओ। क्यों, क्या कारण है? श्री तुमरुका जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, हे भोलेनाथ, ये कथा मैं आपको सुना रहा हूं। आप कथा के मुख्य यजमान शिव और पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी हैं। शंभु ऐसी कृपा कर दो कि जिस भूमि पर, जिस धरा पर, जहां शिव महापुराण की कथा हो, वो धरा जितने दिन तक पुराण चले उतने दिन तक वो कैलाश पर्वत निर्मित हो जाए, ऐसी करुणा कर। क्यों? तुमरुका जी ने कहा कि संपूर्ण विश्व के लोग, संपूर्ण संसार के लोग कैलाश नहीं जा पाएंगे, सब लोग कैलाश पर्वत तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर यदि कथा स्थल तक भी पहुंच गए तो उनको कैलाश के पहुंचने का फल प्राप्त हो जाएगा और आपके दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। ये शिव कथा।
भगवान शिव की कथा कहती है, जिस भूमि पर शंकर का सुंदर शिव महापुराण की कथा हो रही हो, शिव का स्मरण हो रहा हो, वो धारा कोई साधारण सी नहीं होती, वो स्वयं कैलाश धाम बन जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मां देवी, मां दुर्गा, मां देवी, मां दुर्गा स्वयं शकंभरी बनकर संपूर्ण भूमंडल को हरा भरा कर देती है, संपूर्ण भूमंडल। महाराज, पांच देवों में शिव पंचायत में सबसे पहला वर्णन आया था पंच तत्व का, पहले गणेश जी, जम के बोलो। दूसरे नंबर पर भगवान विष्णु वायुदेव, तीसरे नंबर पर भगवान शिव पृथ्वी का तत्व, चौथे नंबर पर मां दुर्गा अग्नि का स्वरूप, चतुर्थ पशुपति व्रत में जो चौथा दिया है, जो चौथा दीप पशुपति व्रत में वर्णन किया गया है, वो लक्ष्मी और नारायण का। और पंचम पांचवा जो दीप है पशुपति व्रत के अंतर्गत, ये संपूर्ण कार्य सिद्धि के लिए स्वयं रिद्धि सिद्धि, स्वयं अष्ट सिद्धि नव निधि और श्री शिव जी महाराज की कृपा का ये पांचवें नंबर का दीप है, पांचवें नंबर का दीप, ये पंचम नंबर का। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो छठा दिया है जिसको आप लोग लेकर जाते हो घर के दरवाजे पर, कहाँ लगाते हो? घर के द्वार के सीधे हाथ की ओर, सीधा हाथ मतलब घर में प्रवेश करते समय सीधा हाथ पढ़ना चाहिए, घर में प्रवेश करते समय आपका सीधा हाथ जहां होगा वहीं लगाना, घर से निकलते समय का नहीं। और एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, आज मान लो दुकान नीचे है और मकान ऊपर है, अब दिया कहां लगाएं? मान लो दुकान के अंदर से रास्ता है मकान में जाने का तो दुकान के दरवाजे पर है, और अगर रास्ता अलग से गया हुआ है ऊपर जाने के लिए तो फिर वो दिया बाहर ही, जहां से आप लोग ऊपर जा रहे हैं रास्ते में प्रवेश कर रहे हैं वहां रखें। और यदि किसी मल्टी में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, और फ्लैटों में और भी बहुत सारे घर हैं, फ्लैट में आने के लिए द्वार एक बड़ा सा नीचे होता है, इसके बाद बिल्डिंग में चढ़ना होता है, तो फिर आप के जिस फ्लैट में आप निवास करते हैं, जिस फ्लैट में आप रहते हैं और जिस घर में आप प्रवेश करते हैं वहां दिया। पर शिव महापुराण एक बात और कहती है, अहंकार रखकर कभी पशुपति व्रत मत करना, अभिमान रखकर यदि हम भगवान का भजन करते हैं, अभिमान रखकर यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता। कल कथा में अपन श्रवण कर रहा था माता दुर्गा का पंचायत में स्वरूप, आज कथा में अपन श्रवण कर रहे हैं पांचवें नंबर पर हैं सूर्य नारायण भगवान। प्रतिदिन दो देवताओं पर जल रोज चढ़ता, एक देव अधिदेव महादेव और दूसरे जम के बोलो जरा सूर्य देव भास्कर। अब एक बात सामने आ जाती है कि गुरुजी इन पंचायत में ब्रह्मा जी का नाम क्यों नहीं, ऐसा क्या कारण कर दिया था ब्रह्मा जी ने? भाई ब्रह्मदेव तो ब्रह्मदेव है, तो ब्रह्मा जी का नाम तो पंचायत में होना चाहिए, तो पंचायत में ब्रह्मा जी का नाम क्यों नहीं, क्या कारण? एक बार ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कह दिया था कि तुम्हारे पिता कौन है? भगवान विष्णु ने भी
भगवान ब्रह्मदेव के सामने ये प्रस्तुत कर दिया कि शिव मेरे पिता हैं। अब जब एक बच्चे से कह दिया जाता है कि ये आपके पिता हैं, तो बच्चे को मानना चाहिए कि ये मेरे पिता हैं। माता छाया देवी ने भी सूर्य नारायण भगवान को कह दिया था कि शनि आपके पुत्र हैं, पर सूर्य देवता मानने को तैयार नहीं था कि शनि मेरा पुत्र नहीं हो सकता क्योंकि ये काला है और मैं सुंदर, छाया देवी तुम सुंदर, मेरे जितने संतान सब सुंदर है पर शनि काला क्यों है, तो वो मानने को तैयार नहीं हो। ऐसा कई बार हो जाता, ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं थे। इन्होंने पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उस पर्वत को घुमाते 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 लिंगायत आकृति प्रकट हो गई, अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया, मृत्यु लोक पर पहला शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु ने बनाया था जो प्रकट हो गया, ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा प्रकट। कर्पूर गोरम करुणावतारम संसार शिवलिंग प्रकट हुआ। जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ भगवान विष्णु ने कह दिया, ब्रह्मदेव तुम पूछ रहे थे मेरे पिता कौन है, ये मेरे पिता हैं। मेरे पिता को मैं जानता हूं कि यही मेरे पिता हैं, इसके सिवाय मुझे कुछ कहना नहीं है। ब्रह्मा जी तो भी नहीं माने, ब्रह्मा जी के मन में वो बात ठीक नहीं लगी, ब्रह्मा जी नहीं माने उस बात को। ब्रह्मदेव ने कहा ऐसा होता है, तुम्हारे पिताजी के चरण कहाँ हैं और सिर कहाँ हैं? भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश देखने जा रहे हैं और भगवान विष्णु चरण देखने के लिए जा रहे हैं। ये कथा हमने पहले भी आपको सुनाई, भगवान विष्णु चरण देखते 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 वापिस आ गए, पर उनको चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। वो जानते थे कि पिता के चरण को जानना, पिता और माता इन दोनों के भीतर के विचारों को जानना, इन दोनों के भीतर की बात को जानना, ये बड़ा कठिन है। बड़ी बहू को लगता है कि सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, पर कोई सास से तो पूछे कि वो किसको चाहती है, तो सास एक ही बात कहेगी, दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है, मेरे लिए दोनों बराबर के हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। सास की निगाह में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, पर ये जो जो ये जो जगदम्बा होन होती है ना, ये बैलेंसिंग करती रहती है दिन भर। इनके मन में यही आता है, देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो तुम्हारे पापा को, जब से छोटी आई है ना तब से छोटी का गुणगान गा रही है, और छोटी को लगता है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो जब देखो जब सास बड़ी का ही गुणगान गाए, ससुर जी बड़े का ही गुणगान गाए। ये हम करते हैं, ये हमारे मन की विचार धारणा को हम सोचते हैं, ऊंचा नीचा हम सोचते हैं, पर इनके मन में ये बात नहीं होती। जो घर का माता पिता होता है इसके मन में ये विचार नहीं आता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं है, उसके मन में कुछ भी नहीं। उसके मन में तो ये है कि मैंने बराबर का दूध पिलाया है दोनों को, और दोनों मेरे लिए, चारों मेरे लिए, पांचों मेरे लिए, तीनों मेरे लिए, जितने भी घर में बेटे होते हैं बहुएं होती हैं ये सब मेरे लिए बराबर। अब कभी कभी सासों के सामने रकम की बात जाती है, जो ज्वेलरी होती है ना, कि सास ने, बड़ी बहू के मन में आता है कि छोटी को तो ज्यादा दे दिया सास ने, हार भी बनवा दिया, पाटली भी बनवा दी, सामान भी बनवा दिया, और हमारी शादी में तो केवल एक मंगल सूत्र अकेला दिया था और चांदी की तगड़ी और चांदी की पायल, सास ने केवल इतना ही दिया था। तो बड़ी बहू को यह समझना चाहिए कि जब तुम आई थी तब हो सकता है घर की कोई और पोजीशन रही हो, और आज तुम्हारे आने से घर में इतनी संपदा बढ़ गई कि छोटी को ज्यादा चढ़ गया, ये तुम्हारे चरण से। ये किसी दूसरे के चरण से नहीं, आपके चरण से। कितना प्रेम है महाराज जी संबोधन में, जरा देखिए, देव रानी देवों के घर से भेजी हुई रानी, जेठानी जिसने आते से तेरी जय जय कराने की ठानी,
उसका नाम है जेठानी। दोनों संबोधन में कितना प्रेम छुपा हुआ है, कितना आनंद छुपा हुआ है, कितना भक्ति और विश्वास छुपा हुआ है, जरा वो देखिए। पर हम तो ये सोचते हैं कि ये हमारी दुश्मन आ गई, हमारा ये दुश्मन हो गया। नहीं नहीं भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है शिवजी के मन में भेद नहीं होता, उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके चरणों में सब कंकण मट्टी से पड़े, उसके लिए बड़ा है तो भी बराबर, छोटा है तो भी बराबर, उसके लिए लंकाधिपति रावण है वो भी बराबर, उसके लिए भस्मासुर है वो भी बराबर। शंकर भगवान की आराधना देवताओं ने जितनी करी उतनी ही राक्षसों ने करी, असुरों ने करी, और जितनी असुरों ने करी उतनी ही मनुष्यों ने करी। भगवान शिव की आराधना देवता भी करते हैं तो राक्षस भी करते हैं, भगवान शिव की आराधना पापी भी करते हैं तो पुण्यवान भी करते हैं, भगवान शंकर की आराधना संत भी करते हैं तो साधु भी करते हैं, भगवान शिव की आराधना जिसकी मर्जी पड़े जो करे, और जो करता है शिव उसकी झोली भर ही देता है। ऐसा मेरा देवति देव महादेव। शिव आराधना का पुण्य यही है, शिव आराधना का सुख यही है। शंकर की आराधना का एक सुख, ये शंकर की उदारता। शंभो शरणे मांगो काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव कृपा इसी को कहते हैं, इसीलिए आपको बार बार कहते हैं शिव महापुराण की कथा में अगर बैठो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलने का समय आए मन से कहो, और अपने हृदय की बात तुम्हें गुरुजी से जाकर नहीं कहना, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो तब दिल की बात उस महादेव से कह दो, महादेव पूरी कर सकता है। शिव पूरा सीहोर वाला गुरुजी नहीं, आप में और हम में कोई अंतर नहीं है, आप भी मनुष्य हो और हम भी मनुष्य, और कोई हम सिद्ध पुरुष नहीं है कि हम तुम्हारे का सारा भाग्य देखकर और कागज पे लिख के दे देंगे कि तुम कौन से गांव से आई, क्या करती थी, क्या नहीं करती, हमको ये भी नहीं आता। हम तो एक चीज जानते हैं, शंकर की आराधना चाहे तुम करो, शंकर की आराधना चाहे सीवर वाला महाराज करे, जो करेगा शिव उसकी सुन लेगा और आनंद प्रदान कर देगा। करना आपको पड़ेगा, नहीं हमारे पास में कोई बूटी मूटी है कि हम ऐसा घुमा दे और तुम्हारे ऊपर छोड़ दे और तुम्हारे को नीचे से धन का हंडा निकाल लिया। ऐसा धन का हंडा निकलता होता तो कुबेरेश्वर मंदिर कब का बन गया होता। फिर यहां से ये मूंछ वाला भैया बार बार नहीं कहता कि इतना दो, या वो कहते कि भाई इतना दो उतना दो, कौन कहे। ऐसा हंडा निकलता हो गया होता तो हो गया कल्याण महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म करो, जब सब जगह से हार जाओ तब शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा कर लो, शिव का स्नान करा दो, शंकर का श्रृंगार कर दो, सब दूर से हार जाओ तब शिव की शरण में जाओ। वो हरियाणा से कथा सुनने आए थे, दो दिन रुके हुए थे, केवल निवेदन करने आए थे कि बाबा ने थोड़ा सा हाथ पकड़ लिया, थोड़ा बाकी है, आप शिव जी से कह दोगे क्या। हमने उसको एक ही बात कही, हम तो नहीं कहेंगे पर दिल से अगर आपने शिव महापुराण की कथा भले आस्था चैनल पर या मोबाइल पर भी सुनी है तो वो सुन लेगा, पक्का है, उसका विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये शिवलिंग का चरण कहां है, शीश कहां है, झूठ बोले ब्रह्मा, सिर तक कट गया ब्रह्मा जी। शिव पंचायत में ब्रह्मा जी आ जाते हैं, पर ब्रह्मा जी ने गलती झूठ की कर दी। राम जी महाराज और रावण जी महाराज, इन दोनों में एक ही अंतर है। श्री राम जी महाराज में और रावण जी महाराज में एक ही अंतर है, मेरे राम को अहंकार का ज्ञान था। किसको जम के बोलो जरा,
राम जी को, मेरे राम जी को, मेरे राघव जी को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था, दोनों में एक ही अंतर। मेरे राम जी जानते हैं कि ज्ञानी पुरुष को अहंकार नहीं करना चाहिए और रावण इतना ज्ञानी था कि उसको अहंकार छा गया था, दोनों में एक ही अंतर। इनको अहंकार का ज्ञान था और उसको ज्ञान का अहंकार। ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठे पंचायत में? एक गलती तो ब्रह्मा जी ने कर दी झूठ बोलकर, दूसरी गलती ब्रह्मा जी को गायत्री महारानी के साथ में, जब ब्रह्मदेव गायत्री मैया जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं पुष्कर राज की भूमि पर और सरस्वती माता वीणा देवी श्रृंगार करने में लगी हुई है, तब सरस्वती मैया नहीं आई, तब ब्रह्मा जी के बोलने पर ब्राह्मणों ने गाय के मुख से गायत्री को प्रकट करा और गायत्री को प्रकट कर वेद माता ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि पढ़ना प्रारंभ करी और गाय के मुख से गायत्री को प्रकट कर वहां ब्रह्मा जी के पास में बिठा दिया। इतने में सरस्वती माता ने आकर कह दिया, ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि भारत की भूमि पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, केवल एक पुष्कर राज में तुम्हारी पूजन होगी, इसके सिवा कहीं नहीं। तो एक कारण ब्रह्मा जी का शिव पंचायत में नहीं बैठने का था झूठ, दूसरा कारण था ब्रह्मा जी को धर्म पत्नी का श्राप, और तीसरा कारण था ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठे शिव पंचायत में, तीसरा कारण था ब्रह्मदेव का अहंकार। एक बार ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। और हो जाता है कभी कभी, अभिमान आ जाता है। एक पढ़ी लिखी बहू लड़की शादी करके ससुराल आ गई। अब ससुराल में जो सासू जी थी वो बिचारी कम पढ़ी थी, सासू ने एक दिन पूछ लिया बहू से कि बेटा अपनी शैक्षणिक योग्यता को हिंदी में बताओ ना कि तुमने क्या पढ़ाई करी है। अब बहू का क्या फर्ज बनता है कि सास को प्रेम से स्नेह से अपनी शैक्षणिक योग्यता हिंदी में बताए कि मम्मी मैंने ऐसा पढ़ाई करी है, मम्मी मैंने वैसी पढ़ाई करी है, माताजी मैंने ऐसा पढ़ा। पर बहू अपनी अभिमत्ता में फूल कर सास को कहती है कि मैंने अपनी हिंदी शैक्षणिक योग्यता में बताओ कि तुमने क्या पढ़ाई करी है। तो बहू कहती है मैंने पढ़ाई करी है नेत्र नेत्र चाय। क्या पढ़ाई करी है बोलो, जम के बोलो, तुम लोग भी बोलो, नेत्र नेत्र चाय। फिर पूछा सास ने ये कौन सी पढ़ाई है, तो कहा आई आई टी नहीं होगी, विद्वत्ता में थोड़ा सा इसकी विमर्शता पूर्ण नहीं होगी, पर किसी को भी परिचय अगर देना है, किसी को भी श्रेष्ठ परिचयता प्रदान करना है तो हम उसको उसकी अनुकूलता के साथ हम अभिमान में रखकर नहीं। अहंकार में तीन गए धन बेभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए, रावण भी गया, कौरव भी गया, कंस भी गया, धन भी गया, वैभव भी गया, वंश भी गया, ये तीनों चले गए। आप ही के बीच में एक माताजी बैठी हुई हैं जो अभी सीहोर में कथा में भी मुख्य यजमान का पद पाया था उन्होंने और अभी फिर कथा लेने के लिए आई है। कहीं बैठी हैं? कहाँ गई? कहीं से आई हैं? वो शायद वकील वगैरह हैं कोई और अच्छी पोस्ट पर हैं, कहीं भिलाई से आई थी ना? हाँ भिलाई से। कहीं बैठी हैं हो तो हाथ हिला सकती हो। हमने पूछा आप अभी तो कथा की यजमान बनी थी, अब कथा लेने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं गुरु जी कथा चाहिए। हमने पूछा क्या करोगी कथा? हर साल एक कथा दो आप तो। हमने पूछा क्यों, कारण बताओ। तो कहने लगे गुरु जी जब तक ये भारत की भूमि वापिस हिंदू राष्ट्र ना बन जाए तब तक मुझे हर साल कथा देते रहो। अब मेरा उस समय तो मैंने सुन लिया, कहते नहीं बना, पर
नी के पाया, उसका मेरे मन में बड़ी खलबली मची हुई थी। मैंने कहना का मतलब ये है कि आप कहते हो कि जब तक कथा देते रहो जब तक ये हिंदू राष्ट्र ना बन जाए, मेरा निवेदन एक छोटा सा, गेहूं के खेत में, धान के खेत में घास उग जाएगी थोड़ी बहुत, तो क्या वो घास का खेत हो जाएगा? जम के तो बोलो, धान का खेत तो धान का ही रहेगा, गेहूं का खेत तो गेहूं का ही रहेगा। गेहूं के खेत में अगर थोड़ी सी घास लग जाए तो वो घास का खेत नहीं होता, और मेरा हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ये भारत बदल नहीं सकता। जरा सी घास लगने से घबराना नहीं है, घास का खेत नहीं हो गया कोई। भारत हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी है और रहेगा। ये धान का खेत घास का खेत नहीं हो जाएगा, ये गेहूं का खेत थोड़ी सी घास लगने से घास का खेत नहीं हो जाएगा, ये रहेगा, पहले भी था, आज गेहूं का खेत गेहूं करेगा, धान का खेत धान करेगा। हाले कोसा ही, अरे बोलो तो छुरिया, ये वही छुरिया है क्या जो गाने में था छुरिया चल जाए, छुरिया छुरिया ही रहेगा, और माँ बमलेश्वरी का दरबार माँ बमलेश्वरी का ही रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता। महाराज तुम कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही बदल, ये नहीं बदल सकता। महाराज बोल भारत माता की, तो मेरा निवेदन है कि कथा, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, ये आपकी चित्तवृत्ति और आपके आनंद के साथ में। ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया था, और अहंकार ब्रह्मा जी को किस चीज का आया कि सृष्टि का निर्माण मैं कर सकता हूँ, सृष्टि मैं बना सकता हूँ, सृष्टि का निर्माण करता मैं हूँ, ये ब्रह्मा जी का अहंकार था। कई बार आपके भीतर भी अहंकार आ जाता है, आपके भीतर भी अभिमान प्रकट हो जाता है। पर एक बात है, उस बहन का राष्ट्र के प्रति समर्पण को मैं नमन करता हूं, उसको स्वीकार करता हूं कि वास्तव में नमनता है ऐसी बहनों को, ऐसी बहनों को नमन। कल हमारे आदरणीय जजमान दिनेश जी साहू भी कह रहे थे, गुरुदेव कृपा करो इस साल कथा हो गई, 2024-25 में एक कथा और दे देना। मैंने कहा भी तो पूरी तो होन दो, तुम अभी फिर लग गए कथा, हमने कहा अभी सुन लिया ना, अभी यहाँ सुन लिया बहुत है इतना, नहीं नहीं गुरुदेव एक कथा और होना चाहिए। हमने पूछा क्यों ले रहे हो कथा, कथा लेने का कारण क्या है? तो दिनेश जी साहू के शब्द पर जाइएगा, उन्होंने कहा गुरुदेव ये वो क्षेत्र है जहां पर केवल आदिवासी लोग रहते हैं। गुरुदेव पहली बार मैंने अपने गाँव को शिव महापुराण की कथा सुनते हुए देखा है, तो खुशी हो रही है, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरे गांव के लोग, मेरे नगर के लोग, मेरे आसपास के क्षेत्र के लोग शंकर की भक्ति में कम से कम डूबे तो हैं, शिव स्मरण में लगे तो हैं, इससे बढ़कर गौरव कुछ नहीं हो सकता। धन कमाया आखिरी में यहीं छोड़ा, संपदा कमाई आखिरी में यहीं छोड़ी, जोड़ जोड़ कर पुत्रों को देकर चले गए, अपने लिए करा क्या? आज कम से कम आपने ये सत्कर्म कर लिया, शिव महापुराण की कथा करवाकर लाखों लाखों लोगों को श्रवण करा दिया, तो ये जीवन का सुख नहीं तो क्या है महाराज, ये जीवन का आनंद ही तो है। और आखिरी में तो जोड़ा 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 यही छोड़ा, और इतना बड़ा फोटो घर में माला टंगा हुआ चिपक गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। और फिर वो फोटो कब उतरेगा? जब 16 श्राद्ध आएंगे, 16 श्राद्ध में कंडा जलाएंगे, और उसमें अब तुम बोलो वो कंडे को आगे को जला के क्या छोड़े, घी और शक्कर छोड़ेंगे, और याद करेंगे दादाजी को, सब छोड़ के चले गए। मुस्कुराओ मती, अपने को भी घी सक्कर छूटेगी, हंसने से कौन सा फायदा, इसलिए कर जिंदगी में कोई अच्छा काम कर चले जाओ तो घी सक्कर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर जाने का भगवान के पास चले गए नाम, यहाँ अजर और अमर हो गया, कुछ अच्छा कर जाए, कुछ अच्छा कर। महाराज जब कुछ अच्छा कर जाओगे तो जीवन का सुख मिलेगा। ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया, और ब्रह्मदेव का अहंकार, अहंकार तो दो को और आया था, एक बार लंकाधिपति रावण को,
और एक बार सहस्त्र बाहू को। लंकाधिपति रावण को मालूम पड़ा कि सहस्त्र बाहु अपने आप को बहुत वीर योद्धा समझता है, उसकी हजारों भुजाएं। तो लंकाधिपति रावण ने कहा, किसी को अगर परखना है, विद्वान तो था रावण, किसी को अगर परखना है तो चलो जरा मैं सहस्त्र बाहु से उसकी वीरता को देखकर आता हूं। लंकाधिपति रावण महिष्मति चला गया। कौन सी नगरी में गया है? जम के बोलो, महिष्मति नगरी। महिष्मति मतलब आज के जमाने में है माहेश्वर। ये नर्मदा जी के घाट पर है माहेश्वर, मंडलेश्वर ऐसा वर्णन आता है। तो माहेश्वर पहुंच गया लंकाधिपति रावण, और माहेश्वर में जाकर लंकाधिपति रावण ने एक शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करने बैठ गया। रावण शंकर भगवान की आराधना कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई शिव पुराण सुन रहा हो, शंकर की पूजन कर रहा हो, शंकर के मंदिर में बैठकर शिव नाम का जाप कर रहा हो, शंकर का स्मरण कर रहा हो, शंकर का कीर्तन कर रहा हो, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या शिव नाम की भक्ति में अगर डूबा हुआ हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी उसको कष्ट मत देना। यहां तक शिव पुराण कहती है, अगर जितने लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं और आपको अगर उठकर भी जाना है ना, तो किसी को अपना चरण ना लगे, उसका ध्यान रखो। या तो कथा में बैठ गए तो पूरा ढाई घंटा तीन घंटा जब तक कथा चले तब तक बैठे रहो, उसके बाद ही उठकर जाओ। कोई विशेष जरूरत पड़ गई हो, बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ गई हो तो जाओ, नहीं तो तीन घंटा भगवान शंकर की कथा में ऐसे डूबो ना कि ना तो प्यास लगे ना भूख लगे। और हाले को समय तो एक चीज देखने को मिली है कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी जो अपनी मम्मियों के साथ माताओं के साथ कथा सुनने आए हैं ना, इनकी रोने तक की आवाज नहीं आ रही, वो कथा में इतने मग्न होकर सुन रहे हैं, उनकी आवाज तक नहीं आ रही है बच्चों। अब ऐसा गांव कहां से लाओगे जरा विचार करो, हमको तो लगता है कि वहां से लेके आयोगे तो दोच के लाओगे, चुप बैठे रहना, आवाज आई ना तो सोच लेना। और कई कई तो माता इतनी चतुर होगी ना तो बैग में पहले से सामान रख के लाई होगी, जैसे ये करे टॉफी निकाल के दे दे मुंडा के बच्चे, फिर ये इसके मुंह की टॉफी खत्म हो, फिर ये और इसने ऊ करना चालू करा और इन्हें चिमटा फोड़ के फिर दे, अब वो उसकी टॉफी खुल नहीं रही, तो फिर उसकी माँ ने टॉफी ली धीरे से, उसको तुरंत दे दी। इतनी इतनी चतुर चतुर लोग धन्य है यार। हाले कोसा सही नाम है ना, हाले कोसा ही है, शुरू के दो दिन हाला कोसा हो गया था, कोई बात नहीं, कोई 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 दिक्कत नहीं है। डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, कलेक्टर की डिग्री, एसपी की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, ये सारी डिग्रियां यही चलती है, वहां डिग्री नहीं, वहां तो आपका कर्म चलता है, डिग्री केवल नीचे रह जाती है, कर्म चलता है। ये नाम मांग से कुछ नहीं होता साहब, नाम रख दिया है, कईयों का नाम रख दे शांति भाई, वो कहीं शांति से रहे, फालतू की बात। क्या हुआ नाम से? अब रावण चला तो नर्मदा जी के तट पर महेश्वर में शिवलिंग का निर्माण करा रावण ने और उसकी पूजन करने लगा। जब रावण पूजन करने लगा, इतनी देर में सहस्त्र बाहू को मालूम पड़ा कि लंका का राजा रावण महिष्मति में आया है और घाट पर बैठा है, शिव की आराधना कर रहा है, मुझे हराने के लिए तप कर रहा है। सहस्त्र बाहू स्नान कर रहा था अपनी रानियों के साथ, उसकी हजारों भुजाएं थी, उसने नर्मदा जी के जल को हजारों भुजाओं से रोक दिया। अब नर्मदा जी के जल को रोका तो नर्मदा जी का पानी पूरा रुक गया,
और रुकने के बाद सहस्त्रबाहु ने अपना एक हाथ उधर से उठाया तो नर्मदा का सारा जल, मां नर्मदा का जल जहां रावण बैठा था पूजन कर रहा था शिवलिंग की, वहां पहुंच गया। पहुंचते से ही नर्मदा जी उस शिवलिंग को बहा कर ले गई। रावण उठकर खड़ा हो गया। रावण को क्रोध आ गया कि मैं शिव की आराधना कर रहा था और ये सहस्त्रबाहु ने क्या कर दिया। सहस्त्रबाहु दत्तात्रेय भगवान का उपासक था और रावण बोलो जम के शिव का उपासक था। वो दत्तात्रेय भगवान की पूजन करता, ये शिव की पूजन करता। अब दत्तात्रेय और शिव में कोई अंतर है क्या? शिव भी तो दत्तात्रेय हैं और दत्तात्रेय ही शिव है। नारायण ही शिव है और शिव ही नारायण है। राम ही शिव है, शिव ही राम है। कृष्ण ही शिव है, शिव ही कृष्ण है। जरा वेद और पुराण उठाकर तो देखो, यहां तक चरित्र मिलता है कि नारायण में और शंकर में कोई अंतर नहीं है। कोई एक रत्ती का अंतर भगवान विष्णु में और भगवान शिव में नहीं है। कोई अंतर नहीं है। महाराज नर्मदा का पानी थोड़ा सा छोड़ा, शिवलिंग बह गया, रावण को क्रोध आ गया। रावण और सहस्त्रबाहु का युद्ध चालू हो गया। सहस्त्रबाहु का युद्ध रावण के साथ जब हुआ तो रावण को बंदी बना लिया सहस्त्रबाहु ने। हजारों भुजाएं थी, बल बड़ा प्रबल था, उससे ज्यादा बल रावण में था। दोनों बलवान थे पर सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बना लिया और रावण बंदी बन गए। बंदी बनने के बाद रावण कारागार में डाल दिए गए। कारागार से रावण को रावण के दादाजी ने छुड़ा लिया, ले गए वापस लंका। लंका जाने के बाद रावण को बेचैनी हो गई। रावण का हृदय काम करना बंद कर दिया। रावण को दुख हो गया हृदय में कि मैं शिव की आराधना करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला और आज बंधन में, ये कैसे हो सकता है? महाराज पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊंगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पशुपति व्रत आप करो, शंकर जी के उपाय आप करो, शिव की आराधना आप करो, एक लोटा पानी शंकर जी को आप चढ़ाओ और उसके बाद भी यदि आपका काम नहीं हो तो उसमें सीवर वाले महाराज का कुछ बिगड़ेगा, नाम किसका खराब होगा? कि शंकर जी का नाम, लोग कहते थे शिव जी का पशुपति व्रत कर लो, शंकर जी का उपाय कर लो, शंकर जी का ये कर लो, शंकर जी का पूजन कर लो, शंकर जी में चावल चढ़ा दो, एक लोटा पानी चढ़ा दो, एक बेलपत्र चढ़ा दो, मूंग का दाना चढ़ा दो, शिव की आराधना बताई थी सीवर वाले महाराज ने। सीवर वाले महाराज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना? बिगड़ना लोग कहेंगे शंकर की इतना आराधना करी, शिव का इतना पूजन करा, शंकर का इतना अनुमोदन करा, इसके बाद भी अगर जीवन में दुख लिखा है, दुख है तो क्यों है? जब शिव की आराधना कर रहे हैं तो हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? तभी पीछे मत हटना, करते रहना। क्यों? शंकर भगवान को भी लगता है कि तेरे पाप की फाइल थोड़ी सी मोटी है, इसलिए इसको थोड़ा सा छुपाने में टाइम लग रहा है। मेरे को भी तो 33 कोटि देवताओं में बैठना पड़ता है, आपका दुख काटूंगा पर थोड़ा समय लगेगा, तू मंदिर आती रहे, मैं कभी भी चमका दूंगा, तू आ। तो ये शंकर है। पत्र तो बहुत सारे देर लगे हुए हैं अभी, आलो अभी इतने सारे पढ़ना, फोटो भी है सीवर वाले महाराज का, जी ने भी बनाया, बहुत जोरदार बनाया। अच्छा एक बात तो है, जितने भी फोटो बनाते हो ना तुम सीवर वाले महाराज के, इनके दांत जरूर बनाते हो, मतलब महाराज मुस्कुराता ही रहता है हमेशा, बारह छठी अरे रोके करेंगे भी क्या, शिव कृपा है इसीलिए। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आज रावण के मन में दुख आया
और रावण को दुख इस बात का हुआ कि मैं शिव की आराधना कर रहा था, शंकर का भजन कर रहा था, शंकर का पूजन कर रहा था, शिव स्मरण कर रहा था। फिर कारण क्या हुआ? ये जो मुझे सहस्त्रबाहु के बंधन में रहना पड़ा, क्या मेरी वीरता में कोई कमी थी? क्या मेरे बल में कोई कमी थी? क्या मेरी विद्वत्ता में कोई कमी थी? रावण शंकर के द्वार मेरे शिव की चौखट पर कैलाश अधिपति के सम्मुख में पहुंच गया और रावण ने कैलाश अधिपति से जाकर कहा कि मुझ में कमी क्या रह गई थी वो बता दो, तो मैं बंधन में क्यों पड़ा? शंकर भगवान ने कहा, रावण तेरी एक ही कमी रह गई थी कि तू जो पूजन कर रहा था ना, जो तू शिव की आराधना कर रहा था ना, जो शिवलिंग का तूने निर्माण करा था और पूजन कर रहा था, उस शिवलिंग की आराधना में पूजन में तू नर्मदा का जल समर्पित नहीं कर पाया था। तेरी अहंकार के कारण, तेरी अभिमत्ता के कारण तू लंका अधिपति लंकेश, तू लंका से जल लेकर गया था और तूने ले जाकर शिव को समर्पित करा था। ए रावण सुन, रावण संहिता जिसने नहीं पढ़ी हो एक बार अच्छे से पढ़ना। रावण संहिता जिसमें सहस्त्रबाहु और रावण के संवाद के बीच में शिव का संवाद आया, लंकाधिपति रावण, और इस संहिता की एक दो लाइन जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जितने सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने कथा सुन रहे हैं इस पावन धरा पर, सब याद रखना इस लाइन को, भूल मत जाना। पहले कथा में आई नहीं है, पहली बार आ रही है ये लाइन, ध्यान देना। शंकर कह रहे हैं मेरे, शिव कह रहे हैं रावण से, रावण किसी पवित्र नदी के तट पर, किसी नदी तालाब सरोवर कुंड के तट पर अगर कोई शिव मंदिर हो, कोई शिवालय हो, कोई शंकर की आराधना हो, तो उस नदी का जल, उस तालाब का जल, उस बावड़ी का जल, उस कुंड का जल, उस कूप का जल शंकर भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब समझोगे कैसे? जैसे आप गंगा जी के घाट पर गए, और गंगा जी के घाट पर गए और पानी कहां से ले गए? हाले कोसा, ठीक है, हाले कोसा का जल चढ़ाओ, मना नहीं है, पर गंगा का जल भी शिव जी को चढ़ाओ। यमुना जी के घाट पर गए तो यमुना जी का जल भी शिव को चढ़ाओ। जहां जा रहे हो वहां का जल शंकर भगवान को जरूर चढ़ना चाहिए, यह शिव का। रावण ने एक गलती कर दी थी, नर्मदा जी के घाट पर शिवलिंग की स्थापना कर पूजन कर प्रतिष्ठा कर उनका आराधना करने पर नर्मदा का जल शिव को नहीं चढ़ाया, जिसके कारण बस रावण को सहस्त्रबाहु की भुजाओं के चुंगल में फंसना पड़ा और कैद में रहना पड़ा, कैद में रहना। तुमने गलती एक करी है। रावण कहता है कि मेरे पास में जल की कमी है, शिव जी कहते हैं जल की तो कमी नहीं है, पर जो घाट पर देव अधिदेव महादेव का जो शिवलिंग होता है, घाट पर बना होता है, उसको जिस घाट पर बना होता है उस घाट के जल की जरूरत होती है। छिपरा के तट पर जाओ और छिपरा के देव अधिदेव महादेव महांकाल राजा को आप नर्मदा जी का जल लाला कर चढ़ाओ और छिपरा जी का पानी मत चढ़ाओ, तो महाकाल राजा स्वीकार करेंगे? अरे जम के तो बोलो नहीं। गंगा के घाट पर जाओ और गंगा के घाट पर जो शिवालय है वहां दूसरी जगह से जल लाकर चढ़ाओ और तुम गंगा का जल गंगा के घाट के महादेव को नहीं चढ़ाओगे तो स्वीकार करेंगे? नहीं। आप दूसरी जगह का चढ़ाव मना नहीं है, पर पहले जिस घाट पर जो देवता बैठा है उसका सम्मान वहां होना चाहिए। अपने क्षेत्र का अध्यक्ष आए, अपने क्षेत्र का उपाध्यक्ष आए, अपने क्षेत्र का एमएलए आए, अपने क्षेत्र का सांसद महोदय आए, अपने क्षेत्र का कोई संत आए, अपने क्षेत्र का कोई साधु आए, अपने क्षेत्र का कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन आए, तो उसका आदर आपको करना चाहिए। पर ये नहीं कि दूसरा क्षेत्र का आया उसका आदर ज्यादा करे और अपने क्षेत्र का आया तो आदर नहीं करे, क्षेत्र का आदर होना चाहिए। तुमने नर्मदा का जल नहीं चढ़ाया। रावण ने कहा इतनी सी गलती हो गई थी? शिवजी कहते हैं ये गलती कोई साधारण नहीं है, संसार के कई मनुष्य ये गलती करते हैं। बोलो सही है कि गलत है?
कई लोग ये गलती करते हैं कि तीर्थ में जाकर तीर्थ का ही जल शिव जी को नहीं चढ़ा पाते, ये गलती स्वीकार नहीं। रामेश्वर कौन कौन गया है, हाथ उठाइए जरा, जितने लोग रामेश्वर गए जरा हाथ उठाओ। अरे वाह बहुत सारे गए हो रे, रख लो रख लो। रामेश्वर गए हो तो रामेश्वर में जल कहां का ले जाकर चढ़ाया तुमने, जम के बोलो जरा। तो कहा गंगा जी का जल ले जाकर चढ़ाया। भगवान रामेश्वर की कथा कभी आप अगर श्रवण करें तो उसमें वर्णन मिलता है कि रामेश्वर भगवान का जहां मंदिर है उस मंदिर के आसपास छोटे छोटे कूप बने हुए, कुएं, जो लोग गए होंगे उन्होंने बाल्टी से स्नान करा होगा वहां, थोड़ा थोड़ा पानी से छोटे छोटे कूप बने। वो कूप तुम्हारे स्नान के लिए बनाए। अरे बोलो तो जम के, ये कूप तुम्हारे स्नान के लिए तो बाद में बने हैं, सबसे पहले रामेश्वर भगवान के स्नान के लिए इन कूपों का निर्माण हुआ है कि तुम बाहर से जल लेकर आओ वो अपनी जगह पर है। गंगा जल तुम गंगोत्री से भर कर ले जाओ वो अपनी जगह है, तुम गंगा जल हरिद्वार से भर कर ले जाओ वो अपनी जगह पर है, पर मेरी भूमि पर जो कूप मैंने निर्माण करे हैं ये कूप कोई साधारण नहीं है। इस कूप का जल जब मुझ पर चढ़ता है तो शिव कहते हैं जो जीव मांगता है उसको वो फल की प्राप्ति हो जाती है, उसको तू चढ़ाना उस घाट का जल, घाट का जल चढ़ाओ तुम गंगा जी ले जाकर रामेश्वरम में। दुनिया चढ़ाती है, नियम भी यही है कि गंगोत्री का जल शंकर भगवान पर रामेश्वर में चढ़ता है, मना नहीं है, पर उस कथा को पूरी सुनो पहले, पहले घाट का जल भगवान को चढ़ना चाहिए, इसके बाद जो तुम लेकर आयो वो अलग है। रावण नर्मदा का जल नहीं चढ़ा पाया था भोलेनाथ जी पर, इसलिए रावण को अधूरी पूजन का भाग मिला था, इसलिए रावण को कैद पड़ना पड़ गया था। आपके साथ में भी ऐसी कई गलतियां होती हैं, पड़ोसन को तुमने पशुपति व्रत बताया, उसने करा, उसका काम हो गया, और तुम पशुपति व्रत कर रही हो नहीं हो रहा, कारण क्या है? उस गलती को ढूंढो कि मेरी गलती कहां हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ गलत तो मैं कर रही हूं, नहीं तो दुनिया का काम हो रहा है और मेरा क्यों नहीं हो रहा है? आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई, कारण क्या? ये इतने सारे पत्र आ रहे हैं, लोग लिख लिख कर भेज रहे हैं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम, तो हमारा क्यों? गलती ढूंढो अपनी, गलती कोई दूसरा नहीं ढूंढेगा, और दूसरा गलती ढूंढता है ना तो वो राक्षस कहलाता है, इसलिए अपन को किसी की गलती में नहीं ढूंढना, अपन तो अपनी गलती खुद ढूंढो ना। दर्पण में मुंह देखो अपने आप समझ में आ जाएगा, रावण में और दशरथ जी में अंतर क्या था? दशरथ जी ने दर्पण में मुख देखा और अपने मुकुट के पास के बालों को सफेद देखा, दशरथ जी दर्पण खुद देखते हैं और रावण दर्पण खुद नहीं देखता। विभीषण से कहता जरा मुंह देख अपना दर्पण में जाकर, जो दूसरे को मुंह देखने का कहता ना समझ लेना राक्षस, और जो स्वयं दर्पण में मुंह देख लेता वही दशरथ है। दोनों में अंतर केवल इतना है, अपनी गलती हम स्वयं देखें, अपने भीतर की गलती को हम स्वयं छाटे, पर हम देखते कहां है? गलती कर दी रावण ने, करिए गलती। कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर मेरा भोले शंकर लूट। शिव का चरित्र कथा है, रावण लंकाधिपति लंकेश को भगवान शिव ने कहा कि तुमने नर्मदा जी का जल समर्पित नहीं करा। अगर तुम नर्मदा जी का जल समर्पित कर देते तो लंकाधिपति रावण लंकेश तुम्हें कोई बंधन नहीं बना सकता। एक बात अच्छे से सुन लो, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग अलेकोसा की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, अपने घर में जो शिवलिंग है, अपने घर के अंदर जो भी शिवलिंग है
भले वो छोटा से छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी शिवलिंग, आप सब जगह का जल शिवलिंग पे चढ़ा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने घर का जल भी शिवलिंग पर चढ़ना चाहिए, निज जगह अपनी भूमि। जैसे सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है, क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है, शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। 2 तारीख को नूतन संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। 2 तारीख नया संवत्सर, नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। एक नियम बना लो कि हमारे शरीर को, क्योंकि दिन भर हम दुकान पे बैठे रहते हैं, नौकरी में लगे रहते हैं, सर्विस में लगे रहते हैं, अगर मुंबई, पुणे, चेन्नई, मद्रास आदि अधिक बड़ी बड़ी सिटियों में लोग रहते हैं तो उनको ऑफिस जाना पड़ता है, सुबह से जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, दिन भर ऑफिस में लगे रहते हैं। व्यापार करने वाला व्यक्ति व्यापार करता रहता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति नौकरी करता रहता है, धंधा करने वाला व्यक्ति धंधा करता रहता है, ठेला चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाता रहता है। घर की माताओं को एक नियम नए संवत्सर से चालू कर देना चाहिए। क्या नियम? क्योंकि जान है तो जहान है, बोलो सही है कि गलत है? शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, और तुमने 5 लाख रुपए महीना भी कमाया, मान लो एक सरल भाषा में समझ लो, 5 लाख रुपए महीना तुम कमा रहे हो, 4 लाख रुपए महीना तुम कमा रहे हो, और शरीर में बीमारी आ गई। अब वो 5 लाख रुपए तुम्हारे कमाए हुए किसी काम के हैं क्या? हॉस्पिटल में जाओगे, दवाई में, गोली में, जांचों में, वो समाप्त तो होते चले जाएगा। तुमने कमाया किसके लिए था? अपने बच्चों के लिए। मेहनत किसके लिए करी? अपने बच्चों के लिए। परिश्रम किसके लिए करा? आगे बढ़ने के लिए। और मालूम पड़ा कि तुम बीमार पड़ गए, जितना तुमने कमा कर जोड़ा था वो सब तुम्हारी बीमारी में लग गया। तो ऐसा कमाना कोई फायदे का है क्या? कमाओ, दिल से कमाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे दुगना कमाओ, पर उसके साथ एक काम चालू करो कि तुम अंतिम क्षण तक, जब मौत तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुम्हारी उम्र जब पूरी हो तब तक भी तुम बीमार नहीं पड़ो, उसके लिए एक काम चालू कर दो कि नए साल से हमें तांबे के लोटे में पानी भरना है, सिर से 8 इंच ऊपर रखना है, सूर्य को अर्घ देना है, और जो पानी नीचे गिरेगा उस पानी में से सूर्य का दर्शन करना है। वो पानी जब हमारे शरीर के इस हृदय रेखा के सम्मुख से, इस कपाल रेखा के बीच में से, मध्य से, उस पानी की धार जब सूर्य की किरण देगा तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी, ना कैंसर, ना लीवर, ना किडनी, कोई अटैक पटैक आ ही नहीं सकता। मेरा बच्चों से भी निवेदन है कि आप अपने पापा से कहो, आप अपनी मम्मी से कहो, और बड़ों से निवेदन है वो अपने बच्चों से कहो, बुजुर्ग बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती हो, बीमारी में पैसा नहीं लगाना चाहती, आप अपने बच्चों को अंत समय अपनी आंखों से उसको तड़पता हुआ नहीं मरना देखना चाहती, तो सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, क्योंकि सूर्य की किरण जल के साथ जब इस शरीर पर पड़ती है तो शरीर में कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। ये श्रीमद् शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, रंग शास्त्र कहता है, हमारे जितने ज्योतिष शास्त्र हैं, रंग शास्त्र हैं, नग बताते हैं, मोती बताते हैं, नीलम बताते हैं, पन्ना बताते हैं, ये सब क्या पहनाते हैं? रंग का क्यों पहनाते हैं? क्योंकि रंग का इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है, कपड़े कौन से कलर के पहन रहे हैं उसका इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। उसी तरह 8 इंच ऊपर मस्तिष्क से तुम्हारा हाथ होना चाहिए, तांबे के कलश में जल होना चाहिए, और सूर्य को देखकर उस जल की धार में सूर्य को जल दीजिए, जिंदगी में बीमारी तुमको नहीं घेर सकती, और बीमार हो भी गए हो तो 15-20 दिन करके देखने में कुछ नहीं जाता, बाद में मत करना, सियोर वाला मारा झूठ बोल रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत? क्यों कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं इतने? उसका एक कारण है, आज के समय में लोग 80 साल और 90 साल के होकर नहीं जा रहे भाई, आज के समय में लोग अटैक आता है, बीमारी आती है, कैंसर हो गया, शुगर हो गई, बीपी हो गया, 60, 70, 75, 55, 40 में लोगों के प्राण छूट जा रहे हैं। अगर ये पूरी पृथ्वी
यवानों से, युवानों से, जवानों से अगर दीन हो जाएगी तो किस काम की, तुम्हारा कमाया गया धन किस काम का होगा। कौन कौन ले रहा है नियम आज से? दो तारीख से नियम बना लो कि नूतन वर्ष से एक तांबे का लोटा जल सूर्य नारायण को अर्घ देना है हमको प्रतिदिन, घर का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जिस बच्चे को रोज बुखार आता हो, निमोनिया हो रहा हो, जिसका लीवर किडनी डैमेज हो गया हो, वो नियम बना लो 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर डायलिसिस में अंतर आ जाएगा तुम्हारे। तुम कर तो देखो कि प्रभाव करे हो। बनाओ नियम। जिस नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई या गर्भाशय से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो गई हो, वो नारी भी सूर्य को जब अर्घ दे तो उस जल को बिल्कुल स्लो स्लो एकदम धीरे धीरे गिरा, एकदम धीमा धीमा, जल्दी जल्दी पानी उंडेल के मत आना। सूर्य देवता को अर्घ देना हो सकता है, तुम लोग इसलिए भी नहीं दे कि लोग हंसेंगे शर्म करेंगे, तो दुनिया हंसे जब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे तब नहीं हंसेंगे कि कमा कमा के मर गया ले यहीं छोड़ दिया, जब भी तो लोग हंसेंगे। तो उससे अच्छा है दुनिया आग लगे बस्ती में, अरे अच्छे से बोलो जरा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। और एक निवेदन हो रहे, जो ये बात कही है इसकी क्लिपिंग आप काट लेना और सारे के व्हाट्सएप पे भेज देना कि हमको नूतन संवत्सर से एक लोटा तांबे का जल सूर्य नारायण को देना है इस शरीर के लिए, क्योंकि हमने परिवार के लिए बहुत करा, अब अपने लिए करना है। कोई पैसा लग रहा है? अरे बोलते जा, सियोर वाले महाराज ने तुमसे धन मांगा नहीं, पैसा मांगा नहीं, इसमें तुम्हारे अगर प्राण बचेंगे तो सियोर वाले महाराज का कोई भला होगा नहीं, भला किसका होगा? तुम्हारी पत्नी का सौभाग्य अमर होगा, तुम्हारे बच्चों का पिता उनके सामने होगा और माँ उसके सामने होगी, तुम्हारे लिए कर लो, या हमारे को कुछ नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारे लिए करो। रावण को अहंकार आ गया, गया अहंकार रावण का, अभिमान चले गया रावण। ब्रह्मा जी को भी अहंकार आ गया कि यह सृष्टि मैंने बनाई, मैंने निर्मित। महाराज, और जब आया समय रावण की अभिमत्ता, रावण ने एक बात कही, अगर मैं नर्मदा का जल उठाकर अगर शिवलिंग पर चढ़ा देता तो क्या मैं सहस्त्र बाहु के बंधन में नहीं पड़ता? भगवान शंकर कहते हैं, सुनो लंकाधिपति लंकेश, मनुष्य मानव की देह धारण करने वाला ये साधारण सा मानव जब अपने घर से एक लोटा जल लेकर शिवलिंग तक पहुंचता है, आपके घर से मंदिर कितनी दूर होगा? जितने लोग आए हो कथा सुनने के लिए, ज्यादा ज्यादा थोड़ी 200 मीटर की दूरी पर, 300 मीटर, 500 मीटर, और ज्यादा होगा तो आधा किलोमीटर। जब एक लोटा जल लेकर सांसारिक मनुष्य शिव के दरवाजे पर जाता है, शिव महापुराण की कथा करें, उसके ऊपर वो जितने कदम चलकर शंकर के दरवाजे पर पहुंचता है उतने ही कदम काल, दुख, तकलीफ, कष्ट, जितने कदम चलकर वो शिव मंदिर तक गया है उतने कदम दुख और तकलीफ और काल दूर हट जाता है, जितने कदम चलकर हम शिव के दरवाजे पर। अच्छा, एक प्रश्न और अड़ता है, एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है कि रावण का, शंकर जी का शिवलिंग पानी में बहाया किसने? जम के बोलो जरा, किसने बहाया था? शास्त्र बाहु ने। तो उसको कोई दोष नहीं लगा क्या? उसको तकलीफ नहीं आई? ये भी कथा है शिव महापुराण में, परंतु समय की थोड़ी सी देखना पड़ता है ना, वो घड़ी की सुइयां। कल भी कथा थोड़ी सी 5-1 मिनट ज्यादा हो गई तो सबने मैसेज कर दिया सीहोर में कि गुरु जी से बोलो जब चैनल पे कथा आती उतनी समय तक कथा बाचे, इसके बाद नहीं बाचे, क्योंकि वहां के लोग तो सुन लेते हैं, हम लोग तो रह ही जाते हैं, इसलिए थोड़ा। ये कथा भी है कि सहस्त्रबाहु ने अपने हाथ से नर्मदा के जल को रोक दिया था,
और सहस्त्रबाहु ने जब नर्मदा जी के जल को रोका और एक हाथ उठाया सहस्त्रबाहु ने और वह नर्मदा जी का जल बह निकला और उससे शिवलिंग पानी में बह गया। तो इसका क्या दोष लगा, सहस्त्रबाहु को क्या भुगतना पड़ा, किसी की पूजन को अधूरा करवा देना उसका भोग क्या भोगना पड़ता है, ये कल की कथा में सुनेंगे। और बहुत सारी कथा रह गई है, ब्रह्मा जी पंचायत में क्यों नहीं बैठे उनके अहंकार की कथा चल रही है, अगर हम कल भूल जाएं तो तुम लिख के भेज दे, ठीक है, पर कथा माध्यम से पूर्ण श्रवण करेंगे।